मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चाय पर चर्चा की। इस दौरान मंत्री मोहन यादव ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रस्तावित योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत कृषि और पशुपालन से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोरोना काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्थाओं और इस वर्ष आगामी परीक्षाओं को देखते हुए किए जा रहे प्रबंधों की भी जानकारी दी। चाय पर चर्चा के दौरान शिवराज को मोहन यादव ने जानकारी दी कि क्षेत्र विशेष के विकास और सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए अब महाविद्यालय भी आगे आएंगे। किसी ग्राम को गोद लेकर महाविद्यालयीन विद्यार्थी सेवा कार्यों का संचालन करेंगे। इसके पहले राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयाँ आंशिक तौर पर ऐसी समिति गतिविधियाँ करती रही हैं। अब समग्र ग्राम विकास को केंद्र में रखकर कार्य किया जाएगा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने मेरे उच्च शिक्षा विभाग के मामले में जिस ढंग से पिछले समय काम हुआ है उसका एप्रिसिएशन किया। उन्होंने बहुत खुश होकर कहा कि और ऊर्जा उमंग उत्साह से काम करने की ज़रूरत है, खास करके हमारा ट्राइबल का बेल्ट है और ये जो पिछड़े वर्ग के बेल्ट हैं इसमें भी हमको काफ़ी काम करने की गुंजाइश है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से उनने हमको पिछले कोरोना के काल के बावजूद भी परीक्षा की परमिशन दी थी, अब आज जबकि सारे कॉलेज खोले जा चुके हैं ऐसे में हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि आगामी परीक्षा भी हम सम्मानजनक तरीके से करा लें और शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसका स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, इस दिशा में हमने प्रयास करना प्रारंभ किया। दो तीन विषय खास करके नवाचार की दृष्टि से लिए हैं कि अब सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय कम से कम एक गांव को जरूर गोद लेंगे और वो गांव आमतौर पर पिछड़े की श्रेणी में रहेगा ताकि वहां हमारी सामाजिक सहभागिता भी बने। तो उच्च शिक्षा विभाग एक तरह से इस ड्यूटी को करने को तैयार है कि हमारे अपने गांवों के अंदर शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उनकी कठिनाइयाँ क्या है, भविष्य की संभावना और वहाँ का यूथ का उपयोग कैसे करें, इस दिशा में हम काम करने की योजना बना रहे हैं। हमको समय समय अभी से तैयारी करना पड़ेगी कि आने वाले समय में ये जो विश्वविद्यालय का स्वरूप समाप्त होने के बावजूद भी गुणवत्ता में शिक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप बिल्कुल इसमें आगे बढ़ें, जनता के भी सुझाव लें और अपने शासन के लेवल पर जो जो हम कर सकते हैं वो सब काम करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।